Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss the causes of high growth rate of population in India. Yani aaj hame wo causes padhne hain jo responsible hain for high growth rate of population in India. Let us discuss it one by one. For high growth rate in population, following factors play a vital role. Number one है इसमें favorable political atmosphere. Favorable political atmosphere. Atmosphere. कहते हैं ये फेवरेबल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो है इट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया. हियर पॉलिटिकल लीडर्स अश्योर पीपल टू प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट शेल्टर फूड एटसेट्रा. ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये लोगों को बहकाते हैं कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम आपको फूड देंगे, हम आपको शेल्टर देंगे वगैरह वगैरह. दिस हेल्प्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ. इस तरह से ये जो पॉलिटिकल लीडर्स लोगों को ये बहकावे में लाते हैं, इस तरह से जो पॉपुलेशन होती है इसमें इंक्रीज हो जाता है, इसमें ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है. एंड नंबर सेकंड वन इज हाई डेथ रेट. हाई डेथ रेट. हाई डेथ रेट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ. डेट मीन्स ड्यू टू हाई डेथ रेट पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड टू यूज ओनली वन आर टू चिल्ड्रन. चूंकि डेथ रेट यहाँ हाई है इसलिए लोग एक या दो बच्चे रखना ही पसंद नहीं करते हैं. बिकॉज दे आर फियर्ड डेट इफ डेथ विल आल्सो इन्वॉल्व दियर वंस. सो इन दिस रिगार्ड पीपल डू नॉट कंट्रोल द इस पॉपुलेशन ग्रोथ. They give birth to many children. And third one is excessive of birth over death. Excessive of birth over death. This means that in India growth rate is 27. यहाँ जो ग्रोथ रेट है ये 27 है. ग्रोथ रेट क्या है 27. वेल डेथ रेट इज ओनली 9 और जो डेथ रेट है इट इज ओनली 9. डेथ रेट इज ओनली 9. इट आल्सो हेल्प्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ. इस तरह से भी पॉपुलेशन में इजाफा होता है. यानी बर्थ रेट हाई होती है और जो डेथ रेट होती है ये कम होती है, इसलिए जो इनकी डिफरेंस होती है इट लीड्स टुवर्ड्स हाई पॉपुलेशन. एंड नंबर फोर्थ वन इज अर्ली चाइल्ड मैरिज. अर्ली चाइल्ड मैरिज. हियर ईच कपल गेट ए चांस टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर पॉपुलेशन. जब अर्ली चाइल्ड मैरिज होती है तो हर एक कपल को ये चांस मिलता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे. इसलिए अगर इनको अवेयर किया जाएगा कि अर्ली एज में मैरिज नहीं करनी चाहिए, इट लीड्स देयर इज ए चांस टू प्रोड्यूस लेस चिल्ड्रन. एंड नंबर फिफ्थ वन इज पॉवर्टी. पॉवर्टी जो है
People are not aware about the ill effects of population growth. जो ये पुअर लोग होते हैं ये बेचारे अपने अपने कामों में फंस जाते हैं. They are not aware about the ill effects of population growth. Ill effects of population growth. इनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो इस पर सोच विचार करें. दे आर नॉट अवेयर, दे डू नॉट नो व्हाट द पॉपुलेशन, व्हाट द ओवर पॉपुलेशन इज, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इज. पुअर पीपल आर ऑलमोस्ट इलिटरेट हु डोंट हैव नॉलेज अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल. दे मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल जो होते हैं इलिटरेट होते हैं. इलिटरेट पुअर पीपल मोस्टली इलिटरेट होते हैं एंड दे डू नॉट गेट नॉलेज अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल. और उनके पास नॉलेज भी नहीं होता है ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल. Population control. Due to illiteracy, they are not aware about the knowledge of population control. अब हम देखेंगे impact of high growth population. पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी इंडिया में जो ये हाई ग्रोथ पॉपुलेशन हुई है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मुल्क पर. नंबर वन है हाई ग्रोथ रेट पॉपुलेशन लीड्स टुवर्ड्स पुअर्टी. इससे ज्यादा इससे दिन ब दिन मुल्क में पुअर्टी बढ़ जाती है. इन इंडिया In India, settle 35% people are poor. आजकल के दौर में भी हम देखते हैं तकरीबन 35% लोग इंडिया में पुअर हैं. ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इट लीड्स टुवर्ड्स पुअर्टी. एंड नंबर सेकंड वन है फूड शॉर्टेज. मोस्ट पीपल हैव शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन. ड्यू टू हाई ग्रोथ इन पॉपुलेशन देयर सीम्स टू बी फूड शॉर्टेज. यानी यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हमारे लोगों में फूड की शॉर्टेज होती है. एंड नंबर थर्ड वन इज अनएम्प्लॉयमेंट. गवर्नमेंट इज नॉट इन ए पोजिशन टू प्रोवाइड ऑल द पीपल एम्प्लॉयमेंट. यानी जब हाई ग्रोथ पॉपुलेशन हुई है देन द गवर्नमेंट इज नॉट इन ए पोजिशन टू प्रोवाइड ऑल द पीपल एम्प्लॉयमेंट. एंड नंबर फोर्थ वन इज इलिटरेसी. फोर्टी परसेंट ऑफ इंडियन पीपल आर इलिटरेट. हमने देखा है 35% है पुअर एंड 45% ऑफ इंडियन पीपल आर सिटल इलिटरेट. दे आर इलिटरेट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ स्कूल्स. क्योंकि दूर दराज के इलाकों में अभी स्कूल्स ही नहीं है. अभी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि लिटरेसी क्या है. जो जो इलिटरेट है ये जो हाई चूंकि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो है गवर्नमेंट को टाइम ही नहीं मिलता है कि वो सारे लोगों की तरफ ध्यान देगा. इसलिए इसमें
बहुत से लोग रहते हैं, नियर अबाउट 40% हु डू नॉट गेट एजुकेशन. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.